एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये फलसफा बन गया है बीजेपी का। जब भी इन्हें अपने विरोधियों पर हमला करना होता है तो न जाने क्यों ये लोग झूठ का जो है सहारा लेते हैं। नहीं तो आप मेरे को बताइए ना कि जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे आए भाषण देने के लिए उनका स्वागत जय श्री राम या भारत माता की जय से क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी को गुस्सा आया उसके बाद सवाल यही उठा कि ममता बनर्जी को क्या जय श्री राम से बैर है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी सियासी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। दरअसल ममता बनर्जी जैसे ही संबोधन करने के लिए खड़ी हुई तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कार्यक्रम में मौजूद कुछ भाजपा समर्थकों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी भड़क गई और मंच से ही नारे लगाने वालों को डांट लगा दी। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। अभिसार शर्मा ने द लाइव टीवी पर अपने शो बेबाक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और भाजपा पर कुछ सवाल भी किए। कहीं ना कहीं दोस्तों ये फलसफा बन गया है बीजेपी का। जब भी इन्हें अपने विरोधियों पर हमला करना होता है तो न जाने क्यों ये लोग झूठ का जो है सहारा लेते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लगी हुई है उसका जिक्र अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने एक और कार्यक्रम में किया था बेबाक में, जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि आज पराक्रम दिवस का मौका है, हम नेताजी को याद कर रहे हैं। भीड़ में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे की भी एक गरिमा होती है। अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो बात समझ आती है, मगर जय श्री राम के नारे नारे के साथ मोदी मोदी के नारे, वो भी नेताजी के पराक्रम दिवस पर। और इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि बीजेपी ने ममता को टारगेट करना शुरू कर दिया न्यूज चैनल्स के जरिए। ममता बनर्जी के साथ हुआ ये कोई पहला मामला नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें परेशान किया गया हो। इससे पहले भी एक बार बनर्जी का काफिला उत्तर परगना जिले के भाटपाड़ा से गुजर रहा था, तभी कुछ लोग जोर जोर से जय श्री राम और जय मोदी के नारे लगाने लगे। बनर्जी ने गुस्से में अपनी गाड़ी से उतर कर कहा, मेरी गाड़ी जा रही थी और ये लोग जिन्होंने भाजपा के हेडबैंड पहने हुए थे मेरी गाड़ी के आसपास घूमने लगे। ये बाहर से यानी अन्य राज्यों से आए हैं, ये स्थानीय लोग नहीं हैं। दीदी गाड़ी पे हमला चली चली दीदी बंगाल की राजनीति पर मीडिया पहले से ही सतर्क था। अब इस घटना के बाद मीडिया को चर्चा करने का एक और मौका मिला है। इस मुद्दे पर आज तक पर भी डिबेट देखने को मिली, जिसमें एंकर ने टीएमसी के नेता से जय श्री राम के नारे लगाने से होने वाली परेशानी को लेकर सवाल किए। इस पर टीएमसी नेता ने भी करारा जवाब दिया एंकर को। ममता बनर्जी जो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जी जो इस हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने आपसी राजनीतिक विभाजन को दूर करके एक स्टेज पे मौजूद थे नेताजी के सम्मान के लिए, तो वहां पर ये सब नाराबाजी, वो किसी के नाम पे हो, भगवान नाम राम के नाम पे हो, किसी के नाम पे, जय श्री राम का नारा लगा देना नेताजी के सम्मान में कमी कहां हो गई?
नहीं तो आप मेरे को बताइए ना कि जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे आए भाषण देने के लिए उनका स्वागत जय श्री राम या भारत माता की जैसे क्यों नहीं हुआ। और बात यह है ना, कल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्द ही बंगाल की जनता बीजेपी का राम नाम सत्य भी कर देगी, इसमें कोई दोहराया नहीं, बहुत अच्छी बात। हम तो राम का नाम को लेके ही चल रहे हैं, हम जब बीजेपी के लोगों से मिलेंगे हम भी कहेंगे राम नाम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान राम का नाम लेके अब हम भी चलेंगे, क्या दिक्कत है। राम नाम सत्य का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? जय श्री राम और राम नाम सत्य है, दोनों में आपको फर्क नहीं पता? नहीं, हमको तो राम के नाम से मतलब है ना, हम तो भगवान राम का राम जप रहे हैं, अभी तो यही हो गया ना इस देश में। इस मुद्दे पर बाकी गोदी मीडिया ने भी चर्चा की, देखते हैं वे किससे सवाल करते नजर आ रहे हैं, सरकार से या विपक्ष से। जी हाँ, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी को गुस्सा आया उसके बाद सवाल यही उठा कि ममता बनर्जी को क्या जय श्री राम से बैर है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से जय श्री राम की वापसी हो गई। जय श्री राम आस्था का उद्घोष है या फिर एक राजनीतिक नारा है, ये अपने आप में सवाल है। ममता बनर्जी कल चिढ़ क्यों? क्या कल उन्हें संयम बरतने की जरूरत नहीं थी? ऐसा इसलिए क्योंकि मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का, जो कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। क्या कल ममता बनर्जी ने ओवर रिएक्ट किया? आखिर बंगाल का चुनाव किस तरफ जा रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। क्या मदन मित्रा ये भूल गए कि सत्ता में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये तय करना जनता जनार्दन यानी आपका काम है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहां किसी को चीर कर चुनाव नहीं जीता जाता, असली ताकत वोटर के पास होती है। इस घटना के बाद भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस की ओर से भी। बंगाल में चुनाव है और भाजपा किसी न किसी तरह चुनाव जीतने की तैयारी में लगी है। बंगाल में चुनाव की वजह से माहौल में गर्मी छाई हुई है। देखना ये होगा कि इस बार चुनाव में बाजी कौन सी पार्टी मारती है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।